हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। तो ज़रूर वीडियो को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिएगा बिना किसी देरी के अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? ऑप्शन है IIT मंडी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा या फिर IIT चेन्नई। IIT मंडी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा या फिर IIT चेन्नई। तो इनमें से किसे जो है वो प्रदान किया गया है ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है IIT मंडी। तो कौन सा, तो IIT मंडी ने जीता है कौन सा अवार्ड? तो ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। अब अगर बात करें COP28 की, तो COP28 की जो बैठक हुई थी वो हुई थी UAE में। तो वहां पर जो है, यानी वहां पर जो है वो IIT मंडी को जो वो प्रतिष्ठित अवार्ड, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है। अगर बात करें IIT, तो अगर हम बात करें IIT की, तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT मीन्स इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IIT। तो IIT मंडी को जो है वो ग्रीन यूनिवर्सिटी का जो है वो अवार्ड प्रदान किया। अब बात करते हैं कैसे यूनिवर्सिटी को ये प्रदान किया जाता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी को जो है ये ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड प्रदान किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को, यानी उनके उनको जो है प्रोड्यूस होने से जो है उनको रोकने का जो काम करती है यूनिवर्सिटीज, उनको जो है उस फील्ड में काम करने वाली यूनिवर्सिटी को जो ये ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, IIT मंडी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है? हाल ही में भारत के किस पारंपरिक नृत्य को जो है, डांस को, यानी यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है भांगड़ा, गरबा, डांडिया, घूमर। भांगड़ा, गरबा, डांडिया या फिर घूमर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गरबा। तो गरबा, गरबा नृत्य को, तो गरबा नृत्य को जो है वो यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो घोषित किया है, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है शामिल किया है, विरासत के रूप में शामिल किया है गरबा को। और गरबा संबंधित है किससे? गुजरात राज्य। गरबा जो है ये है गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा नृत्य। अब बात करते हैं इंटेंजिबल की, यानी ऐसे इंटेंजिबल का मतलब जिसके कोई शेप नहीं होती है। तो डांस की जो कोई शेप नहीं होती, यानी जिसका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे हेरिटेज साइट को जो है वो कहा जाता है इंटेंजिबल, उनको कहा जाता है। चलिएगा इसका सही आंसर है गरबा। और गरबा कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गुजरात राज्य से संबंधित है। और डांडिया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भांगड़ा है, डांडिया और घूमर, तो भांगड़ा संबंधित है पंजाब राज्य से, डांडिया ऑल्सो गुजरात, और घूमर नृत्य जो है यह है राजस्थान से संबंधित है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में बीबीसी का हाल ही में बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है शिव नडार, नादर हो गया, नडार है, नादर हो गया यहाँ पर, शिव नडार। राजीव मल्होत्रा, डॉक्टर समीर शाह या फिर पंकज अवस्थी। शिव नडार, राजीव मल्होत्रा, डॉक्टर समीर शाह या फिर पंकज अवस्थी, इनमें से किसे जो है वो बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डॉक्टर समीर शाह, तो किसको? डॉक्टर समीर शाह को, डॉक्टर समीर शाह, डॉक्टर समीर शाह को जो है ये बनाया गया है बीबीसी का नया अध्यक्ष। और डॉक्टर समीर शाह जो है ये हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, तो इन्हें जो है बीबीसी का, ये बीबीसी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीबीसी पे बात करते हैं, बीबीसी जो है ये इंग्लैंड की, बीबीसी जो है ये इंग्लैंड की जो एक न्यूज एजेंसी है, एजेंसी है बीबीसी जो है वो न्यूज एजेंसी है, कहाँ की? ब्रिटेन की, यानी इंग्लैंड की एक न्यूज एजेंसी है। जब फॉर्म पे बात करते हैं, फुल फॉर्म होता है, अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश, अगर हम बात करें बीबीसी के पूरे नाम की, तो इसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन जो इसका पूरा नाम है बीबीसी का। और ये जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की एक न्यूज एजेंसी है। और बात करें अगर इसकी स्थापना की, अगर हम बात करें बीबीसी की स्थापना की, अगर बात करते हैं यानी गठन की अगर बात करें, तो बीबीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 अक्टूबर 1922 में, जो इसकी स्थापना हुई है कब? 1922 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो किसको? तो समीर शाह को, डॉक्टर समीर शाह जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको जो है वो बीबीसी का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन है हाल ही में किसे, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इज जूनियर नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मैसी, इनमें से कोई नहीं। जूनियर नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लियोनल मैसी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से किसी और को, यानी इनमें से कोई किसी को नहीं। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें जो है वो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो है वो अवार्ड सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लियोनल मैसी। तो किसको दिया गया है? तो लियोनल, तो लियोनल मैसी को दिया गया है, लियोनल मैसी को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया। अब बात करते हैं ये है कौन, तो ये एक फुटबॉल प्लेयर है। तो ये कौन है? ये फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, और कौन से देश से संबंधित है? तो ये अर्जेंटीना से, कहाँ के? अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के ये खिलाड़ी हैं, को लियोनल मैसी, इनको जो है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? लियोनल मैसी को, कहाँ के? अर्जेंटीना के ये रहने वाले हैं और ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और इसी साल सॉरी 2022 में जो है वो अर्जेंटीना जो है इनकी कप्तानी में ही जो है वो फीफा वर्ल्ड वर्ल्ड कप का जो है चैंपियन बना है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड जीता है? हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड जो है वो जीता है? ऑप्शन इज कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, इनमें से किस राज्य ने जो है वो जीता है द बेस्ट सस्टेनेबल
वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड जो है वो जीता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश ने जीता है। तो मध्य प्रदेश ने जीता है कौन सा अवार्ड, द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड जीता है किसने, मध्य प्रदेश ने जीता है। अब मध्य प्रदेश पे बात करते हैं, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको, मध्य प्रदेश को जाना जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसे, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगर हम बात करें कुल टाइगर की, तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो है टोटल 785 जो है वो टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। इतने तो अगर हम बात करें तो 785 टाइगर जो है वो कुल है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में टाइगर पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य जो है वो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य भी है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है 12 नेशनल पार्क, अगर हम बात करें तो एमपी में जो है वो, अगर हम बात करें 12 नेशनल पार्क, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 3 जो हैं ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में। तो कितने, 12 नेशनल पार्क, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कुल हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, और इसको जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको लैपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है किसे, मध्य प्रदेश राज्य को। तो मध्य प्रदेश ने जो है वो जीता है इस बार द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड जो है वो जीता है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे टाइम मैगजीन द्वारा, इसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, इसे जो है वो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो है वो घोषित किया गया है। ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो बाइडन या फिर टेलर स्विफ्ट। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो बाइडन या फिर टेलर स्विफ्ट, इनमें से किसे जो है वो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो है वो नरेंद्र मोदी को, व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो बाइडन को या फिर टेलर स्विफ्ट को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है टेलर स्विफ्ट। तो टेलर स्विफ्ट को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है, यानी ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है उनको घोषित किया गया किस द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा। ये टेलर स्विफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो टेलर स्विफ्ट जो है ये जो है एक सिंगर है। टेलर स्विफ्ट की अगर हम बात करते हैं, टेलर स्विफ्ट जो है ये एक सिंगर है। सिंगर हैं, तो इन्हें जो है इस साल यानी 2023 का इन्हें जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है किसके द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा घोषित किया गया है। अब बात करते हैं, तो या अगर हम बात करें व्लादिमीर जेलेंस्की की, तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें 2022 में जो है टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था किसको, व्लादिमीर जेलेंस्की को पिछली साल जो है इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था।
और इस बार किसको, टेलर स्विफ्ट को जो है, इस बार जो है टेलर स्विफ्ट को घोषित किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये जो है भारत के प्रधानमंत्री है और जो बाइडन हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और उसके साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया